प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला का प्रथम नगर आगमन पर कराहल मिडवे होटल में हुआ जोरदार आतिशबाजी स्वागत। भगवा गुब्बारों से की गई होटल की सजावट। खबर कराहल से है, जहां अभी हाल ही में श्योपुर जिले के प्रभारी मंत्री बनाए गए राकेश शुक्ला आज प्रथम बार जिले के प्रवास पर आए हुए हैं, तो उनके आगमन को लेकर बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़ा ही जश्न का माहौल है। जगह जगह प्रभारी मंत्री के स्वागत में स्वागत मंच सजाए गए हैं और इसी क्रम में प्रभारी मंत्री के काफिले का आज जैसे ही कराहल नगर में प्रवेश हुआ, तो उनकी अगुवाई में मुख्य स्थित मिड डे होटल पर भाजपा युवा नेता कुलदीप सिंह चौहान, सर्वेंद्र शर्मा, जनपद सदस्य प्रदीप सिंह चौहान द्वारा जोरदार ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। मंत्री जी के स्वागत में मिडवे होटल को भगवा रंग के गुब्बारों से सजाया गया। इसके बाद होटल के अंदर बनाए गए स्वागत मंच पर प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला और सांसद शिव मंगल सिंह तोमर पहुंचे, जहां उन्हें फूलों का बड़ा हार पहनाकर स्वागत किया गया और श्योपुर के प्रसिद्ध काष्ठ कला से निर्मित एक स्मृति चिन्ह मंत्री जी को भेंट किए गए। इसके बाद सभी के लिए यहां स्वल्पाहार का बेहतर प्रबंध किया गया। स्वागत इतना भव्य देखकर मंत्री जी शुक्ला भी गदगद हो गए और उन्होंने प्रसन्नता के साथ सभी का दिल की गहराइयों के साथ धन्यवाद अर्पित करते हुए कहा कि आपके स्वागत का आभारी रहूंगा। आज कम समय है, इसलिए जल्दी जाना पड़ रहा है। अगली बार आप सबके साथ बैठकर भोजन करेंगे। सबसे पर बीजेपी नेता कुलदीप चौहान ने प्रभारी मंत्री को क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं से भी अवगत कराया, जिस पर मंत्री ने शीघ्र निराकरण करने की बात कहते हुए नजर आए। इस दौरान लगभग 2 सैकड़ा बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।